हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि वाइब्रेंट करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से जो सीवीडी टेस्ट कराई जानी है उसको आप कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें वाइब्रेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो कि है vibrantcareer.in। ये सेम प्रोसीजर आप अपने स्मार्टफोन पे भी कर सकते हैं, सारी प्रोसेस सेम रहेगी, तो आप स्मार्टफोन पे भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। तो वाइब्रेंट करियर इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद हमें सबसे पहले लॉगिन करना होगा, तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे आपको हम प्रोवाइड करेंगे, वाइब्रेंट करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी, वही आपको एंटर करनी है, जो कि हम आपको एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे अभी मैं अपनी यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड से मैं लॉगिन करता हूँ, तो और मेरा पासवर्ड है ओके, और मैं लॉगिन। अभी आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ऐसा एक पूरा डैशबोर्ड खुलेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है आपका पासवर्ड चेंज करना है। आपको सबसे पहले हम जो आपको पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे वो आपको चेंज करना है। तो वो आप कैसे करोगे, आपको आना है यहाँ पे आपका नाम दिखेगा, आपको क्लिक करना है वहाँ पे और चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा आपका ओल्ड पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं अपना ओल्ड पासवर्ड डाल देता हूँ ओके। यहाँ पर मुझे अपने नए पासवर्ड जो मुझे बनाना है वो एंटर करना है। आपको याद रहे आपको उस तरीके से अपना एक नया पासवर्ड एंटर करना है, तो मैं अपना एंटर कर देता हूँ। ठीक है, चेंज पासवर्ड, और आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, पासवर्ड चेंज होने हो जाने के बाद आपको बैक आना है। बैक करोगे तो आपको जिस जिस भी दिन, मतलब जिस डेट को आपकी एग्ज़ाम होगी उसी डेट पे आपको एग्ज़ाम का नेम लिखा हुआ और उसके ऊपर ब्लिंक होता दिखेगा। आप जैसे यहाँ पे 18 आज की तारीख पे देख रहे होंगे, आज 18 तारीख है, तो आज यहाँ पे मैंने एक टेस्ट बनाई है जो कि ब्लिंक कर रही है, मतलब ये टेस्ट अभी एक्टिव है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा इस टेस्ट के नेम के ऊपर जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, इस पेज पे आ जाऊँगा। यहाँ पे मुझे टेस्ट की कुछ डिटेल्स पता चल जाएंगी, देखिए सब, जैसे सब्जेक्ट कौन सा है, टाइटल क्या है उसका, और स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम, और ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। और आपको टेस्ट के अंदर एंटर करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा स्टार्ट पे। आपको स्टार्ट का बटन दिख रहा है, यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी, ये इंस्ट्रक्शंस मुझे पढ़ लेनी है। आपको अगर टाइम हो तो आप इसको पढ़ सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा ये चीज़। तो अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीबीटी टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको ये पढ़ना ही होगा। तो एक बार आप पढ़ लेना, उसके बाद ही आप स्टार्ट करना। तो मैं यहाँ पे, मुझे पता है सारी चीज़ें, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मैंने टेस्ट स्टार्ट कर दी। अब आप टेस्ट स्टार्ट करोगे तो आपके सामने क्वेश्चन आ जाएंगे, उसके ऑप्शंस आ जाएंगे, और नीचे यहाँ पे चार आपको ऑप्शंस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए। तो मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है चारों में। जैसे कि ये क्वेश्चन का आंसर मैंने सपोज ये टिक करा, मुझे कन्फर्म है कि यही आंसर इस क्वेश्चन का है, तो मैं इस और मतलब यही आंसर को मैं टिक करूंगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। और अगर सपोज मुझे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, मैं चाहता हूं इसको मतलब सेव करूं, लेकिन वापस आके मैं इसको चेक करना चाहूंगा, तो यहां पे मैं क्लिक करूंगा सेव एंड मार्केस रिव्यू, कि ये क्वेश्चन हाँ मुझे थोड़ा बहुत कन्फर्म है बट मैं वापस आके चेक करना चाहता हूँ। और सपोज फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, सपोज़ ये क्वेश्चन का आप आंसर चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और मतलब क्लियर रिस्पांस कर दोगे, तो आपका जो कुछ भी आपने टिक कर रखा होगा वो हट जाएगा। और मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, अगर आप करोगे कोई ऑप्शन को सिलेक्ट कर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करोगे, तो वो ऑप्शन आपका सिलेक्ट, मतलब वो क्वेश्चन में आप वापस आके चेक करना चाहोगे इस तरीके से आपने उसको सिलेक्ट कर रखा है। सपोज़ फर्स्ट में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि मैं इसको इसका आंसर क्या है, ये मैं बाद में आके चेक करना चाहता हूँ, तो आप इस पर क्लिक करोगे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, क्योंकि आप उस पर कन्फर्म नहीं हो। इनकेस अगर आपने सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दिया या फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो इनकेस आपकी जो टेस्ट अगर फिनिश होती है या फिर
टाइम अप हो जाता है, टाइम मतलब टाइम ख़त्म हो जाता है, तो वही आंसर आपका सिलेक्ट हो जाएगा और वही आंसर आपका काउंट होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर मुझे, इसका आंसर मुझे नहीं पता, तो आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हो, तो उसको आप बाद में आके चेक करना चाहोगे ऐसा, जिसके अंदर आपको कन्फर्मिटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको क्वेश्चंस कितने हैं, तो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे। आपके केस में यहाँ पे 40 क्वेश्चंस होंगे, तो अभी मैंने जैसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन डाले हैं, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, आपके केस में यहाँ पे 40 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे आपको आपका नाम दिख जाएगा, सब्जेक्ट दिख जाएगा, और यहाँ पे ड्यूरेशन दिख जाएगा कि आपके कितना टाइम बचा है आपका। तो अभी जैसे ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, ये फोर्थ क्वेश्चन, ये फिफ्थ क्वेश्चन, आप चाहो तो आगे के क्वेश्चन पहले से ही देख सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पे ये टिक कर दिया, ऐसे ही सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। मुझे एक्चुअली नहीं पता इसके आंसर, बट मैं ऐसे ही टिक कर दे रहा हूँ, इसको टिक करके सेव एंड नेक्स्ट, इसको टिक करके सेव एंड नेक्स्ट, इसको टिक करेंगे सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। ओके, प्लीज़ चूज एन ऑप्शन। अगर आपने कुछ ऑप्शन चूज़ नहीं करा होगा तो यहाँ पे बताएगा प्लीज़ चूज एन ऑप्शन, मैंने ये चूज़ कर लिया, एंड सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ। मैं इसको वापस आके चेक करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा बहुत श्योर है कि ये आंसर हो सकता है, तो मैंने 4 कर दिया। और जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर मुझे कन्फ्यूज़न है कि मैं इसको वापस आके चेक करना चाहूँगा, तो मैं इसको कर देता हूँ मार्क फॉर रिव्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो ये वाला, उसके अंदर थोड़ा डिफरेंट कलर का, मतलब उसका डिज़ाइन हो गया, उसके अंदर वायलेट कलर का पूरा गोल सा आ गया है, ये बाकी सारे से थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि इसके अंदर आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है। और ये वाले क्वेश्चन में आप जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है क्वेश्चन, उसके अंदर आपने सेव एंड नेक्स्ट कर रखा है, और ये वाला क्वेश्चन जो है इसको आपने सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर का कुछ आपको दिख रहा होगा डॉट्स जैसा, तो इसका मतलब होता है सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। तो मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर टिक कर दिए हैं। 5th नंबर का जो क्वेश्चन है, इसके आंसर मैं टिक कर देता हूँ, सपोज़ ये वाला मैंने टिक कर दिया, एंड सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर टिक कर दिए, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे टेस्ट फिनिश कर सकता हूँ। टेस्ट जैसे ही आपका टाइम ख़त्म होगा, वैसे ही अपने आप टेस्ट ख़त्म हो ही जाएगा, इनके साथ के सारे क्वेश्चंस हो जाते, तो आप मैन्युअली फिनिश कर सकते हो टेस्ट। आप ध्यान रखना आपसे गलती से टेस्ट फिनिश ना हो जाए, इतना आपको ध्यान रखना है टेस्ट देते समय। तो मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ, अभी टाइम बचा है जब, फिर भी मैं फिनिश कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, 5 ही क्वेश्चन थे, फिनिश, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन थे, 5, मैंने उसमें से 5 आंसर करे, मतलब मैंने कोई आंसर छोड़ा भी नहीं, मतलब कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, तो यहाँ पे 0 बता रहा है नॉट अटेम्प्ट में। मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ, ओके, मैंने यहाँ पे फिनिश कर दी है। तो यहाँ पे जो आप नीचे की ये जो फुल टेस्ट 8 7 6 5 देख रहे हो, इसको आप इग्नोर करना। यहाँ पे हमने जो अभी पहली एग्ज़ाम दी है, आपके केस में यहाँ पे एक ही एग्ज़ाम दिखाएगा, मैंने अभी जस्ट यहाँ पे एक एग्ज़ाम दी है, ये फाउंडेशन डेमो टेस्ट 18 तारीख की। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे 20 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव इसमें कोई नहीं था, -5 दिखा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे 100 रिजल्ट डिटेल करूँगा, आपको यहाँ पे इतना जोर नहीं देना, मतलब यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो आई कलर आई बटन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है 100 रिजल्ट डिटेल, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा। आपको फिजिक्स का जैसे सब्जेक्ट था, इसके अंदर टोटल मार्क्स इतने थे, इसमें से 5ों 5 मेरे रॉन्ग पड़े हैं, क्योंकि मुझे आंसर नहीं पते थे। अगर आपका कोई भी आंसर राइट पड़ता है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको इतना आंसर राइट है, ठीक है। तो ऐसा रहेगा, अगर आपको रिजल्ट देखने में दिक्कत हो रही होगी, तो आपको हम मतलब ग्रुप में रिजल्ट प्रोवाइड कर देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा इस तरीके से। तो आपकी टेस्ट ख़त्म हो जाती है, तो आप यहाँ पे वापस अगर होम पेज पे आओगे, यहाँ पे क्लिक कर कर आपकी टेस्ट ख़त्म हो गई, आपने रिजल्ट भी देख लिया, आपने होम पेज पे क्लिक करके वापस यहाँ पे आए, आपने सोचा आप वापस आप जाके देखना चाहोगे, मतलब रिजल्ट मतलब टेस्ट आप वापस देना चाहोगे, तो आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपने टेस्ट एंड कर दी है, अब यहाँ पे आपको टेस्ट नहीं दिखेगी, आपको सीधा यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधा मुझे रिजल्ट पेज पे लेके आ रहा है। आपके केस में यहाँ पे सिर्फ एक ही टेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि आपकी ये पहली टेस्ट होगी, और यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकोगे इस तरीके से, और आपको रिजल्ट आपके ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दी जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है इतनी, ठीक है। तो जस्ट आपको यही बताना था, आपको सबसे पहला मतलब
वेबसाइट के अंदर सबसे पहले लॉगिन करने के बाद सबसे पहला जो आपको काम करना होगा वो आपका पासवर्ड चेंज करना होगा, जो हमने आपको प्रोवाइड करा है यहाँ से वो एंटर करने करके। जैसे यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड पे हमने जो आपको पासवर्ड प्रोवाइड करा है वो आपको वहाँ पे एंटर करना है, और आपका न्यू पासवर्ड आपको एंटर करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बाद ही आपको एग्ज़ाम देनी स्टार्ट करनी होगी। तो आपको वेबसाइट पे पहले ही लॉगिन कर लेना होगा, और एग्ज़ाम होने से पहले ही आपको सारी प्रोसीजर ख़त्म कर लेनी होगी, पासवर्ड चेंज करना, और जो एग्ज़ाम की डिटेल्स जो कुछ होती है वो कैसे आपको एग्ज़ाम देनी है, ये सारी चीज़ें एक बार आप पहले ही लॉगिन कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो जस्ट आपको यही बताना था। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं आपको कुछ भी डाउट हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।